हल्द्वानी की बात करेंगे। नव नियुक्त डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत निरीक्षण करने हल्द्वानी पहुंचे। निरीक्षण के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने कुमाऊं मंडल के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताई है। उन्होंने कहा कि कुमाऊं मंडल में क्राइम कंट्रोल को और यातायात पर फोकस करके युवाओं में बढ़ते नशे के साथ ही जमीनों की धोखाधड़ी पर उनका विशेष ध्यान रहेगा। इसके साथ ही साइबर क्राइम और ड्रग्स को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक योगेंद्र सिंह ने आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कार्यक्रमों को लेकर अधिकारियों को तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मेरी जो पहली प्राथमिकता है वो एक रिस्पॉन्सिव पुलिस को बनाने की, जिसमें कि हम कोई भी पीड़ित हमारे पास आता है उसको हम ध्यान से उसकी बात को सुने, त्वरित उसको न्याय दें और समाधान से उसको अवगत भी कराएं। क्राइम फ्रंट पे इस समय दो जो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है साइबर क्राइम, जो आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है, और दूसरा ड्रग का जो एक प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। तो इन दोनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। साइबर क्राइम में जहाँ एक और पब्लिक को अवेयर करने का भी प्रयास किया जाएगा, वहीं ये भी प्रयास किया जाएगा कि पुलिस कर्मी अपना जो नॉलेज है, साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ नॉलेज है, उसको भी अपडेट करते रहें, ताकि जो क्रिमिनल है उसके हम बराबरी पे आ सकें या उससे हम आगे रह सकें। ड्रग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये केवल प्रदेश की ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इस पर शुरू से ही लगाम कसना जरूरी है। तो इसके लिए भी हम जहाँ एक और अवेयरनेस का प्रोग्राम लगातार चला